हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आया हूँ जुहू चौपाटी घूमने के लिए मुंबई। तो चलिए आप लोगों को यहाँ जुहू का सैर कराता हूँ। दरअसल देखिए, यहाँ पे अब ये कोरोना की वजह से पूरा बंद है, खाली खाली सा है पूरा। मेरे पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा, पूरा खाली है। इधर से जो आदमी ट्रैक्टर से उधर सफाई कर रहे हैं, जो आगे वो यहाँ पे कचरा वगैरह फेंक देते, आदमी घूमने आता है ना, तो अपना फूल वगैरह लिए रहते हैं। काफ़ी लोग यहाँ मन्नत वगैरह माने रहते हैं, समंदर में डाल देते हैं, तो उसके लिए उधर सफाई कर रहे हैं। तो सफाई कर्मी वाले हैं और इधर कुछ आदमी हैं घूमने वाले। उधर चल रहा हूँ मैं अभी। यहाँ पे शाम के टाइम बहुत अच्छा ही मौसम रहता है, लाइट वगैरह यहाँ पे लगी है सफ़ेद सफ़ेद में, आप लोग दिख रही होंगे। नारियल के पेड़ है, काफ़ी अच्छा व्यू रहता है और हवा तो एकदम ठंडी ठंडी चलती है, लहर चलती रहती है। इधर से आप लोगों को दिख रहा होगा पूरा समंदर है ना इधर, तो हवा एकदम ठंडी ठंडी आती रहती है। लेकिन अभी ये कोरोना की वजह से ना हर जगह घूमने के, कहीं भी घूमने जाओ ना तो पूरा बंद रहता है। वैसे तो यहाँ हर जगह 5 बजे तक लॉकडाउन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर आज आदमी कोई दिख ही नहीं रहा है, पूरा बंद है टोटली। तो चलिए हम फिलहाल आप लोगों को जुहू का सैर करा देता हूँ। यहाँ पर पूरा खाली खाली देख सकते हैं, यहाँ कोई कोई से आदमी वॉकिंग करते हुए दिख जाएंगे आपको। यहाँ के लोकल जो है ना वो वॉकिंग कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं जहाज, यहाँ पे जस्ट बगल में ये एयरपोर्ट, तो जहाज आपको जाती हुई दिख जाएगी। मैं आपको थोड़ा जूम करता हूँ, देखेगी क्लियरली ये जहाज जा रही इधर से। यहाँ पर दरअसल बगल में ये जुहू एयरपोर्ट जो है ना, यहाँ जस्ट पास में ही है, तो यहाँ से हमेशा जहाजें आती जाती रहती हैं। अभी वो आप लोगों को उधर दिख रही होगी, सफाई वाले हैं सिर्फ उधर, तो पूरा खाली खाली सा। बीच काफ़ी लंबा है लेकिन अभी यहाँ पर आदमी नहीं, इस साइड में है। इधर तो कुछ बॉर्डर टाइप में बना है, तो यहाँ कुछ आदमी हैं घूमने चलते हैं उधर। वैसे तो मैं यहाँ पे सोचा था आने के लिए कि यहाँ आऊँगा तो देखो कोई अगर अंग्रेज मिलता है जाला ना तो उससे तब भी करता हूँ, कि हमारे यहाँ पे अंग्रेज ना काफ़ी दिन राज करके हमको छुट्टियाँ बना गए। तो हम सोचे थे अभी अगर कोई अंग्रेज मिलता है ना उसे अच्छे से मजा लेते हैं फुल रूप से, लेकिन यहाँ अभी कोई दिख ही नहीं रहा, सब खाली खाली रहा। लोकल आदमी को दिख नहीं रहा, अंग्रेज कहाँ दिखते हैं यहाँ पर है। जैसे आप इंडिया है, एलिफेंटा, इन सभी जगहों अंग्रेज वगैरह जो रहते हैं घूमने आते रहते हैं। अपने यहाँ के लैंग्वेज तो समझते नहीं हिंदी ज़्यादा, क्योंकि किसी भी तरह से ले सकते हैं आप आराम से।
तो भाई ये जो दीवार बनाई गई है ये है दरअसल इस साइड में पत्थर पूरा, इधर जो पत्थर है इधर है बीच, तो इधर ये बनाया गया इसलिए कि इधर जब लहरें आती है तो लहरें के साथ साथ में पत्थर भी आते हैं, इधर ये बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं, इन पत्थर को रोकने के लिए इधर से ये दीवार बनाई गई है, बीच बीच में पाइप भी डाली गई है तो उसका पानी इधर से पास हो जाए, पत्थर में पास हो जाए ताकि इसका साइड बीच पर सिर्फ रेत ही रहे, बीच एकदम सेफ रहे। जबकि साइड आप देख सकते हैं इधर ये पूरा बीच है, पूरा इधर से रेत की रेत मिलेगी, एकदम पूरा प्लेन एरिया। इधर आप ट्रैक्टर साफ वगैरह कर रहे हैं, यहाँ आपको बोट वगैरह भी दिख जाएंगी, ये बोट के एंगल वगैरह इधर लगे हैं, हुक यहाँ पर बोट जो आते हैं घुमाते हैं, बोट के लिए हुक बनाए गए हैं ये घूमने के लिए। इसके साइड में इसीलिए इसको बनाया गया है स्पेशली कि इस साइड में काफ़ी पत्थर हैं बड़े बड़े, लहरों के साथ साथ बह के आते हैं, तो उस साइड बीच पर ना जाए ताकि बीच पूरा सेफ रहे और घूमने लायक बना रहे, इसलिए इसको बनाया गया। और उसके साइड में इधर ये सामने जो आप लोगों को दिख रही है इधर है ये बांद्रा के बीच है, इधर आपको यहाँ से आएंगे तो विजुअल नहीं होता, बांद्रा वर्ली सीलिंग भी दिखता है तो साइड में है। अभी हम चल रहे हैं वापस, यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है, यहाँ पूरा है खाली, तो इस साइड में कुछ ग्राउंड है तो इधर मैच वगैरह हो रहा है, उधर के फुटबॉल वगैरह खेल रहे हैं फिलहाल। अब थोड़ा मौसम शाम का टाइम हो रहा है तो यहाँ पर आ रहे हैं मंदिर, लेकिन पूरा है सब खाली खाली इधर। इसके बाद ये इधर है पूरा अरब सागर, तो इधर पूरा का पूरा इस साइड पूरा पड़ता है गल्फ कंट्री के, गल्फ कंट्री जो होते हैं इसी साइड में पूरी टोटली। इसके पहले मैं जब यहाँ पे आया था अच्छा मौसम रहता था, अभी लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन पे कुछ सही नहीं चल रहा, कहीं घूमने कोई भी जगह होगी सब वैसी ही है। यहाँ पे बीच की सफाई काम चल रहा है इधर ट्रैक्टर वगैरह से, ये वहाँ पे कोई घूमने आए हैं बंदे, वो शायद लगता है नेपाल। अच्छा बड़े भी आते हैं, बड़े इससे बड़े भी निकलते हैं क्या? सीप जो बोलते मोती, मोती भी मिलते होंगे ना शायद, अंदर जाना पड़ेगा। अच्छा मिलता है किसी को नहीं, इधर ढूंढते तो होंगे ना कोई ना कोई। भाई देखो ये इधर ढूंढ रहे हैं सीप, इधर है ग्राउंड, ये सब बच्चे खेल रहे हैं इधर, छुट्टी वगैरह किए हुए हैं ये सब, इसी को सीप ही ढूंढ रहे हैं शायद। टूरिस्ट वाले यहाँ पर आ गए हैं भगाने के लिए, इधर सबको खाली करने के लिए, देखो इधर से जा रहे हैं डंडा लेके सबको खेदने के लिए। वैसे चलिए आज आप लोगों को एयर इंडिया का सैर कराते हैं, ये है एयर इंडिया बना हुआ एक है पार्क में, और ये है जुहू एयरपोर्ट, जुहू बीच जाएंगे जब ना रास्ते में ही पड़ता है। चलिए तो यहाँ अंदर भी थोड़ा देखते हैं अंदर कैसे है, ये भाई